हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोमेटो प्लांट्स के बारे में, और इसकी कुछ अपडेट थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। ये मेरे वही प्लांट्स हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाए भी हुए हैं, आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखे हैं, जो मैंने बालकनी में लगाए हुए हैं, और सर्दियों की वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इसके पत्ते जो हैं वो पर्पल पड़ गए थे, लेकिन ये मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको रहने दिया है और देखते हैं कि हमें फ्रूट देते हैं या नहीं, या हम इनको बचा पाएंगे कि नहीं। और मैं इनके साथ क्या क्या कर रही हूँ, मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि रिजल्ट तो काफ़ी सेटिस्फाइंग है, क्योंकि बहुत सारे बंचेज में इसके ऊपर फ्लावर्स आ चुके हैं, हर तरफ बस फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद इनको न्यूट्रिशंस लेने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रही होगी, क्योंकि एक पॉट के अंदर मैंने 3 प्लांट्स भी छोड़े हैं। खैर, कहीं कहीं मैंने 1 प्लांट लगाया है, कहीं 2 हैं, कहीं 3 हैं, और क्योंकि पॉट साइज एक जैसा है तो हम ये देखेंगे कि क्या फ्रूटिंग में फ़र्क पड़ता है, या अगर इनको अच्छी न्यूट्रिशन मिलती रहे तो सभी प्लांट्स एक जैसा रिजल्ट देंगे। तो इसकी अच्छी न्यूट्रिशन के लिए मैंने इसकी रूट फिलिंग की थी। रूट फिलिंग ये होती है कि हम प्लांट के ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी को हटा देते हैं जब तक कि उसकी रूट्स नज़र आने लग जाए, और उसके ऊपर डायरेक्टली हम जो है कोई भी कॉम्पोस्ट, लीफ कॉम्पोस्ट या काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी आप डाल सकते हैं, और उसके बाद उसको वापस आप जो है सैंड के साथ कवर कर सकते हैं। जब मैंने टोमेटो प्लांट्स पर किया था रूट फिलिंग तो मैं उसकी वीडियो नहीं शूट कर सकी, लेकिन मैंने अपने डहलिया के प्लांट पे किया था, जो कि एंड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और उससे आपको प्रोसीजर जो है वो ईजिली समझ में आ जाएगा। खैर, उसके बाद इसके साथ मैं इसको लिक्विड जो है फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, और रिज़ल्ट बहुत ही फैंटास्टिक मिल रहा है। अब जैसे जैसे ये प्लांट्स थोड़े बड़े होंगे, आगे मौसम अच्छा हो जाएगा, तो उसकी फ्रूटिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करेंगे। अभी चूंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, इसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, लेकिन इवन दो ये काफ़ी अच्छा जो है ग्रो कर रहे हैं। मैंने इनको डायरेक्ट सर्दी से हटा करके शेड में कर दिया था, जिसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। सर्दियों की वजह से तकरीबन सारे ही प्लांट्स पर काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा होती है और रात जो है टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स को फिलहाल जो है वो सर्वाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अगर आप इनके न्यूट्रिशन वैल्यूज को अच्छे से पूरा करते रहेंगे तो ये बच जाएंगे। और अब चूँकि 15 जनवरी के बाद जो है टेम्परेचर बेहतर हो जाने वाला है, तो उससे क्या होगा कि अगर आपके प्लांट्स बचे होंगे तो ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएंगे। अब सर्दियों के मौसम में जो एक चीज़ मुझे बहुत फेस करना पड़ी वो थे एफिड्स का अटैक, जो कि बार बार हो रहा था, जिसने मेरे प्लांट्स को काफ़ी बुरे तरीके से जो है डिस्टर्ब किया था। रिसेंटमेंट के प्लांट्स तो ऑलमोस्ट सभी मर गए थे, और मैंने क्या किया था कि उनकी डेड हेडिंग करके, प्लांट्स की कटिंग करके, इस दफ़ा मैंने उसे केमिकल स्प्रे किया था, क्योंकि बिल्कुल भी ऑर्गेनिक स्प्रे से एफिड्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे और सारे के सारे लॉन में फैलते जा रहे थे। इस तरह से मैंने कुछ क्रिसेंथेमम के मदर प्लांट्स को सेव कर लिया है, और ये देखिए ये एक मदर प्लांट ही है, लेकिन इसमें आप ये देखिए अगर गौर करें, इसमें छोटे छोटे आपको ब्लैक डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं, ये स्टिल एफिड्स अभी इसके अंदर हैं, क्योंकि ये प्लांट्स बहुत गफ हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं कि गेंदे के फूल हो गए या क्रिसेंथेमम के अंदर ये काफ़ी दूर दूर तक जो है जाके छुप जाते हैं, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और अगर यहाँ तक आपका स्प्रे नहीं जाता तो ये ज़िंदा रहते हैं, और उसके बाद इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता पूरे लॉन में फैल जाते हैं, क्योंकि ये प्लांट के जो सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं उसको चूसते हैं, तो ये पौधे को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है कि मैं आप लोगों के साथ ये रूट फिलिंग का मैसेज शेयर करूँ। ये देखिए, ये डहलिया के प्लांट में इस तरह से मैंने इसके पहले सॉइल को सॉफ्ट कर लिया और ऊपर की मिट्टी हटाकर इसमें जो है, जब भी आप ऑर्गेनिक खाद देते हैं तो याद रखिए कि उसको गमले में आप बिल्कुल ऊपर की तरफ नहीं डालते कि वो सूरज से एक्सपोज हो। बैक्टीरियल कल्चर वाली जो खाद होती है उसको आपको सॉइल से कवर करना लाजमी होता है, वरना आपको आपके मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते। मुझे लगता है कि गार्डनिंग में हम जो है हमेशा सीखते रहते हैं, और इसी तरीके से एक दूसरे के साथ अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने से हम चीज़ों को लर्न करते हैं और अच्छी गार्डनिंग कर पाते हैं।
अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलेगा, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।